मेरा दादा कबूतर वास था, मैं भी कबूतर वाजी हूँ। क्या बात, अभी यही डायलॉग जान मारेगा कि भाई मेरा बाप कबूतर वास था तो मैं भी कबूतर वाजी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सभी भाइयों को राम राम। और भाई एक भाई आए बता हमारी छत्तर भाई, भाई का भाई ने चैनल मेरा हाईजैक कर लिया है, भाई का चैनल है। तो भाई आज हमारी वीडियो बनाने आया था हमारी छत पे, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि भाई आप हमारी छत पर आए, हमारा शौक देखा आपने। भाई और... का बहुत अच्छा शौक है, और भाई का भाई को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, भाई का चैनल आपने देखा ही होगा, दिल्ली पिजन लवर के नाम से भाई का चैनल है, और हम तो भाई की मोहब्बत में आ गए हैं बस। और भाई का कबूतर बहुत अच्छा है, इनकी वीडियो में देखता रहता हूँ, तो मैंने कहा आज भाई के पास चलते हैं। तो भाई आज की भाई की वीडियो में भाई आज हमारा शौक आप लोगों को देखने को मिलेगा, लड़ाइया चल रही है, लड़ाइया दिखाएंगे आप लोगों को, कबूतरों का शौक कराएंगे। तो कर लो फटाफट चैनल भाई का चैनल सब्सक्राइब, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, दबा के वीडियो। और भाई भाई आए बहुत दूर से हमारी वीडियो बनाने, तो व्यूज अच्छे आने चाहिए। भाई का चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने भी मेरे व्यूवर्स है भाई भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। तो शौक देखो मेरा, लड़ाइया देखो, फिर करेंगे भाई बात, ठीक है। ये देखिए भाई, वाह भाई वाह, कबूतर देखिए भाई के, भाई ये सैदी की छत पे, ये हमारा सैदी आगे सैदी की छत पे बल मार रहा कबूतर जाके, और वही लगा रखा है कबूतर। अभी मैं दौड़ा रहा था मगर अब जो है लड़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा कप होने वाला है 19 फरवरी का। अच्छा, 19 फरवरी का कप है, तो मैंने कबूतर आगे निकाल लेके थे, मगर मैंने कहा अभी टाइम बहुत है हमारे उस्ताद ने का, उस्ताद सुलेमान तालीम से हूँ भाई मैं, जो भागती आ रहे हैं नफीस खलीफा, उनका शागिरद हूँ। तो अभी लड़ाइया करा रहा हूँ, लड़ैया देखो, एक टुकड़ी उड़ लई, एक उधर उड़ लई है भाई, एक ये उड़ लई और एक हमारे उड़ लई, एक सैदी की आगे उड़ानी रही। ये देखिए भाई, और यार भाई का शौक देखता रहता हूँ मैं, भाई का चैनल देखता रहता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे भाई का शौक देखता हूँ। और लड़ाइया जो होती है ना भाई की, वो कौन सी खचापच वाली लड़ाइया, दुपड़ दू खचापच वाली लड़ाइया करवाते हैं भाई। चलो तो आप शौक देखिए भाई, लड़ाइया देखिए, ये देखिए भाई उधर हो गई लड़ाइया, वो जा रहा कबूतर, ये देखिए भाई ये हो गई लड़ाइया, ये हो गई खचापच वाली लड़ाइया, ये हो गई भाई खचापच वाली लड़ाइया। कर लो भाई का चैनल सब्सक्राइब फटाफट, मजा आने वाला वीडियो में, देखो वाह भाई भाई, ये देखो भाई आ गई भाई, ये देखिए ये देखिए भाई, तोड़ देखिए, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वो देखो कितने कबूतर निकल के गए। तो भाई हमारे 105 के आसपास कबूतर है, 105 कबूतर है, 105 कबूतर है। और भाई कबूतर देखिए सारे, मतलब लाजवाब कबूतर है, अच्छे कबूतर दिख रहे हैं मुझे, सारे जवान साज है। और ये देखिए, और इनकी आपको दौड़ देखने को मिलेगी 19 फरवरी दिन संडे का, और 61 कबूतरों की यहाँ दौड़ है हमारी पांच छतों में। अब देखते हैं पांच छतों में से कितनी छत रहती है। टाइमिंग क्या रखी गई है? टाइमिंग बता देंगे, पर्चा बनेगा ना जब नेक्स्ट टाइम दोबारा, अच्छा तो टाइमिंग बता देंगे जो भी रहेगी, मतलब अगर पांचों छत रही तो 11:30 बजे शौक शुरू होगा पांच छतों में, और अगर तीन छतें रही तो 12 बजे शुरू होगा। अच्छा, लास्ट छत हमारी होगी 2 बजे की, लास्ट छत होगी 2 बजे की लास्ट। अच्छा, 19 फरवरी का शौक है, 61 कबूतरों का। और ये नूटल का कप है, तालीम से इसका कोई वो नहीं है, मैंने अपने बेटे के नाम से फॉर्म भरा है, जो भी है जोहान के नाम से। अच्छा भाई, अभी आने वाला जोहान भी मुलाकात कराएंगे। तो भाई जोहान भाई भी बहुत एक्टिव रहते हैं भाई के साथ, और मैं उनको भी देखता रहता हूँ, कबूतरबाजी पक्की वाली एकदम कबूतरबाजी सिखा रहे हैं। ये उड़ गए अपने कबूतर भाई, कबूतरबाजी सिखानी सही भी है, कोई उसमें वो नहीं है, क्योंकि बच्चा नशों से बचा रहता है। बिल्कुल सही बात है भाई, कम से कम अपनी छत पे तो रहेगा, अपनी छत पे रहता है, माँ बाप की आंखों के सामने रहता है, बाहर के एबो से बचता है, नशा पत्ती से बचता है, यार दोस्तों के बुरे एबो से बचता है, छत पे रहता है कबूतरों के शौक में। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखिए, कबूतरबाजी कुछ लोग शायद इसको गलत समझते होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने इसको गलत कर दिया है, बदनाम कर दिया है, वरना कबूतरबाजी बहुत अच्छा शौक है, बहुत जबरदस्त। बाकी आप कबूतर देखिए, ये देखिए हमारा सैदी तो उड़ा भी नहीं रहा कबूतर, अभी एक बार भी नहीं उड़ा ने। भाई सामने सज्जा कबूतर जा रहा है, बल मार रहा है, आ
देखो कबूतर को, कबूतर इधर घूम रहे हैं और कबूतरों को इधर भेजा जा रहा है। वहाँ पे देखिए एक साज उड़ रहा है, उधर भेजने की कोशिश करी जा रही है इन्हें। चल भाई चल चल, अरे इधर को घूम जा, इधर ही घूम रहे हैं कबूतर। लड़ता है ना कबूतर, हाँ उधर ही है, उधर की आदत पड़ी हुई है। मैं इधर ही जा रहा था, मेरा कबूतर छोड़ा रहा था, मैं इधर ही जा रहा था। अच्छा आ बेटा, देखिए अब ताबे लगा रहे हैं शालम भाई। आ आ आ आ आ, ये लो भाई उड़ा दिए। देखिए उधर भी उड़ गए कबूतर और अपने भी ये चल दिए। ये लो भाई हो गई, वाह भाई वाह। ये आ गए भाई, ये लो वो देखो निकल के गए दो तीन कबूतर। इशारे में उड़ जाते हैं भाई कबूतर। तो ये आ गए भाई, देखो जवान भाई आ गए अपने। आओ भाई जवान भाई आइए, वाह भाई वाह। और जहान भाई ठीक हैं आप? हैं कहाँ थे यार, आपका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। हैं भाई कबूतर उड़ा के दिखाओ, रे कबूतर उड़ा के दिखाओ जरा हमारे हमारे व्यूवर्स को। हाँ बेटे देखे जवान भाई कबूतर उड़ा रहे हैं। हाँ बेटे चपके में ले लेगा, अब बिठा लो। ये देखो भाई आ गए कबूतर। आ बेटे ओए होए क्या बात है भाई, आ गए आ गए। ये लो भाई, ये लो छट गए। ओ निकल के भागा वो भाई, बैठने वाला था ये तो। पैर पैर रखने वाले थे बस। ये देखिए भाई ये हो गई लड़ैया। देखिए भाई ओ ये बुला लिए। ये देखिए भाई फट गए कबूतर।
तो ये देखिए ब्रीडिंग वाले पैर हैं, अभी इनको दाना दे रहे हैं। ये देखिए भाई, किसी के हैं बच्चे? अच्छे नहीं अभी निकले हैं, ये बच्चा ही है एक गेरा। अच्छा, ये हमारे चिंटू का बच्चा, उसका इस दरद बन गया। और एक बवरा इसमें बच्चा है, वो रहा बवरा जो दिख रहा है। ये दोनों बच्चे बराबर बराबर है, ये दोनों बच्चे निकले हुए, वो इसके बच्चे है, वो इसका बच्चा है, बकरी का जो है। तो और एक कबूतर दिख रहा है, वो जा रहा। अरे ये जो बावली खेल गया, जंगली है क्या? ओह जंगली है, मुझे लगा उसमें से निकल गया, उसी में उड़ रहा था वो। एक ये वाला कबूतर भी बहुत बढ़िया लग रहा है भाई मुझे आगे। ये देखिए भाई कबूतर, खूबसूरती देखिए इसकी। सबसे पुराना कौन सा कबूतर है इसमें अपना? सबसे पुराना कबूतर इसमें वो कलपोटिया चोटीला। अच्छा, कितना पुराना है वो? ये हो गए दो ढाई साल, हो गए दो ढाई साल पुराना, क्योंकि मैं तो सारे हटा दिए, दोबारा डाले थे जब से ही है वो। अच्छा, कबूतर हटा देता हूँ मैं अब, इसमें से जो है सीजन उड़ा गया ना, इसमें से हटा देंगे छाट के। अच्छा, 60-65 रुकूंगा, बाकी हटा दूंगा। अच्छा, फिर नए लाके छोड़ेंगे कम से कम 100 कबूतर और। अच्छा, मतलब हर साल नए कबूतर आते हैं? छोड़ देना, खा लेना। देखिए भाई हर साल नए कबूतर आते हैं भाई के, और अच्छी काफ़ी अच्छे अच्छे कबूतर हैं। छोड़ गए, ये बनाया चिकना हमने कबूतरों का, और इसके अंदर सारी मेवा मिली हुई होती है भाई। अच्छा, काजू बादाम और बाकी कबूतरों को देखो आप कैसे, मतलब इन्हें खबर हो गई है। ये देखिए, ये देखो कैसे भी टकराए खाने के लिए। वाह भाई वाह, ये देखिए, ये इनका पसंदीदा खाना है भाई। हाँ ये लो, ये देखिए भाई। सुभाष देखिए अभी दाना खा रहे हैं कबूतर, और बाकी देखिए साहिल भाई ने ये भी एक बना रखा है यहाँ पे, और इसके बारे में बताएंगे। साहिल भाई इसके बारे में बताइए, क्या है ये, क्या बनवाया है आपने? भाई ये बिल्ली दान है, बिल्ली पकड़ने वाला। अच्छा, बनवाया था, मैं काफी परेशान हो गया था। हाँ, छत पे वाली बिल्ली आती थी, काफी कबूतर उन्होंने मेरे मार भी दिए, अधमरे भी कर दिए, टांग उखाड़ के ले गई, मतलब इतना परेशान कर दिया, इतना आजीज आ गया। तो मुझे बिल्ली दान बनवाना पड़ा भाई उसके लिए। वो एक बिल्ली थी, वही ज्यादा छत पे आती थी, और उनने कई कबूतर हमारे खूनम खान लखपत। पापा बताओ क्या? हाँ, बिल्ली यहाँ पे थी और कबूतरों को खा रही थी अभी। हाँ, तो भाई ये बिल्ली दान मैंने बनवाया वेल्डिंग वाले से, और ये देख सकते हो भाई बिल्ली दान है ये। और अच्छा, ये बिल्ली एक जो परेशान कर रही थी ना, उसे मैं पकड़ के उसे मैंने मारा पीटा नहीं। आप लोग वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भाई दे देंगे मेरे चैनल का लिंक वगैरह, वहां से आप देख लेना, वीडियो देख लेना बिल्ली दान वाली। और बिल्ली में जंगल में छोड़ा, उसे मैंने मारा पीटा नहीं, क्योंकि बिल्ली को मारना नहीं आया। या तो भगा दो उसे, मगर मारना नहीं आया। मगर अब ज्यादा ही वो परेशान, इतना उनने नुकसान कर दिया मेरा, 30-35 कबूतर उनने मेरे खराब कर दिए। अच्छा, तो फिर भाई बिल्ली दान बनवा के इसमें पकड़ी मैंने उसे, उसे जंगल में छोड़ दिया। अच्छा, कोई अगर बनवाना चाहे तो एक बार बता दें कैसे बनवाया है, क्या है ये कैसे? ये वेल्डिंग वाले से बस दिखा दो उसे एक बार। हाँ, वो ऐसे ही बना देगा वेल्डिंग वाले। ठीक है भाई, देखो ये आप स्क्रीन शॉट ले लेना। और ये कैसे काम करता है एक बार ये बताओ आप। ये भाई ये निकल गया, इसका तार ये इसमें जुड़ा हुआ है। हाँ, और ये इसमें तार लगा हुआ है। अच्छा, ऐसे लगा दिया। हाँ, और नीचे अंदर जो है गोश्त का टुकड़ा बांध दो। अच्छा, कुछ भी बांध दो, जैसी वो इसमें खट करेगी या चूहेदार होता है। हाँ, ये हटेगा और ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, तो भाई ये सिस्टम है देखिए इसका, जैसे चूहा पकड़ने का होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है ये। सो गाइस आपने देखी अभी अपने हमारे शालम भाई की कबूतरबाजी, और सामने लड़ाई भी हुई, और काफ़ी बढ़िया कबूतर भाई के हैं, और 105 कबूतर हैं तकरीबन। बाकी भाई से कुछ हम सवाल भी करेंगे जो आपके दिमाग में होंगे, जैसे कि कबूतरबाजी, अगर जैसे कोई नया नया कबूतरबाजी करना चाहता है तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कबूतरबाजी करते वक्त? भाई अगर नया बंदा कोई कबूतर डाल रहा है तो शुरुआत जो करते हैं भाई, हमने भी पहले कावली से शुरुआत करी थी, कावली कबूतरों से। अच्छा, हाँ, अगर आप गोले डाल लोगे और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो सब बर्बाद, सब भाग जाएंगे। तो कोई भी नया बंदा है और कबूतरबाजी की शुरुआत कर रहा था, कावली लाए पहले वो, क्योंकि कावली जो होते हैं ना बहुत जल्दी गर्दान हो जाते हैं। अच्छा, और गोला कबूतर जो होता है ना, इसका कोई ईमान धर्म नहीं होता। ये जरा सा दाना इसका कम हुआ नहीं, और ये किसी और की छत पर
ढाई से बैठ जाता, काबली होता है एक बार गर्दान हो गया ना वो आपकी छत से मर के हटेगा, चाहे उसे दाना कम दो या ज्यादा, इतना मतलब कट्टर होता है काबली जो होता है। मेरे दादा को शौक था कबूतरबाजी का, तो काबली वगैरह पाल रखे थे उन्होंने, तो उन्हीं से हमें शौक लग गया था ऐसे जब हम छोटे छोटे थे, तो दादा का कबूतरबाजी देख के काबली थे हमारे छत पे, तो उन्हीं को देख देख के हमें भी शौक लग गया। फिर जब हम थोड़े से बड़े हुए तो फिर हम चौक पे जाने लग गए भाई, वहां से 20-20 रुपए कबूतर, हमें नॉलेज थी नहीं, हम टेढ़े बांगड़े हवा में लखुए में उठा के ले आते थे कबूतर, तो बस ऐसे धीरे धीरे हमें शौक लगता चला गया। उसके बाद जो है काबली डाले मैंने इस छत पे भी पहले, फिर लोगों के जब देखे गोले कबूतर उड़ते हुए, फिर गोलों की टुकड़ी लाए, फिर भाई उस्ताद बनाया हमने, क्योंकि अकेले तो सीख ही नहीं सकते भाई, जब तक उस्ताद नहीं बनाओगे जब तक कुछ। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे उस्ताद ने भी जो है नफीस खलीफा ने हमें इतना सिखा दिया है कि हम अकेले भी अपनी कबूतरबाजी कर रहे हैं, और जो कमी पेशा होता है अपने उस्ताद को फोन करके पूछ लेते हैं। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया कबूतरबाजी? बचपन से ही शौक है मुझे कबूतरबाजी का। अच्छा, बचपन से ही, मतलब जोहान जितने मेरा दादा कबूतरबाज था मैं भी कबूतरबाजी हूँ। क्या बात, अभी यही डायलॉग जोहान मारेगा कि भाई मेरा बाप कबूतरबाज था तो मैं भी कबूतरबाजी हूँ। मगर भाई पढ़ाई जरूरी है, देखो ये नहीं कह रहा कि हर बंदा अपने बच्चों को मतलब कबूतरबाजी बना दे, नहीं भाई पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई अब जो है हम देखो काम भी करते हैं और कबूतरबाजी भी करते हैं, अगर हम कबूतरबाजी करेंगे तो भाई बच्चों को क्या खिलाएंगे, तो भाई कमाई होगी जब ही कबूतर आप पाल सकते हो। अगर आप सोच रहे हो मैं परमानेंट कबूतरबाजी ही करूं तो भाई आप खिलाने के लिए ना कहां से लाओगे यार पैसे? भाई जो स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं हमारी, वो इस बात का ख्याल रखे, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, गलत मैसेज नहीं देंगे, जो रियलिटी वो बताएंगे। भाई अगर कबूतरबाजी कर रहे हो तो बच्चों को बहुत शौक होता है कबूतरबाजी का, भाई पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई भी करो कबूतरबाजी भी करो। हाँ भाई देखो, पढ़ाई से पीछे मत हटना, क्योंकि माँ बाप को बड़ी आस होती है मेरा बच्चा पढ़ जाए। तो जितने भी आप लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए हमारा यही मैसेज है कि अपने पढ़ाई का पूरा ध्यान रखें, कबूतरबाजी का भी अगर शौक है तो थोड़ी देर के लिए कबूतरबाजी कर लें, लेकिन पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। ठीक है, बाकी और कुछ बताना चाहेंगे आप? बस भाई यही बताना चाहेंगे, प्यार मोहब्बत का शौक है, सारे भाई प्यार मोहब्बत से करो। काबलीबाजी करते हैं वो काबली उड़ाओ, जो मंदरासी का शौक करते हैं वो मंदरासी उड़ाओ, मगर सारा शौक जो है प्यार मोहब्बत का है। इस कबूतरबाजी से भाई मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, लोगों से मेल झोल कैसा व्यवहार करना, भाई कबूतरबाजी बहुत चीजें सिखाती है। जब आप इसमें घुसोगे ना और कबूतरबाजों में बैठोगे तो वहां से आप गलत सीख लेके नहीं उठोगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके उठोगे वहां से, क्योंकि कबूतरबाजी जो है ना एक प्यार मोहब्बत का शौक है और प्यार मोहब्बत ही सिखाता ही है। देखिए कोई भी शौक होता है तो वो लोगों से जोड़ता है, जैसे ये कबूतरबाजी है, ये कबूतरबाज हैं आज और तमाम लोग कबूतरबाज हैं, तो एक कबूतरबाज एक कबूतरबाज से मिलना पसंद करता है और वहां से तमाम चीजें सीखता है, तो यही चीज है, एक मेजोरिटी बन जाती है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी और कुछ कहना चाहेंगे? बस भाई यही, बस और क्या कहेंगे भाई, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, और भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। मेरे जितने भी व्यूवर्स ये वीडियो देखेंगे भाई, भाई को सपोर्ट करो, इनका चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है? ये देखो छोटे छोटे बच्चों को कबूतरबाजी का शौक है, ये मेरे पड़ोसी हैं, आ जाते हैं भाई छत पर कबूतरबाजी का शौक करने, मगर ये पढ़ते भी हैं। अब देखो ये अब आया है ट्यूशन से आया होगा, तो अब आया जब कबूतर मेरे बंद करने का टाइम हो गया। मैं इन लोगों से ये कहता हूँ भाई कबूतरबाजी करो मगर पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करो पहले। तो भाई देखिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई करें, जो भी लोग कबूतरबाजी करना चाहते हैं स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई जरूर करें, तो मतलब बार बार इसीलिए बोल लेंगे पढ़ाई जरूरी है। सो गाइस वीडियो करते हैं पे एंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।